अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे सेगमेंटेशन की, और हमने ये देखा कि इसके अंदर हम जो है वो प्रोसेस की मेमोरी को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सेगमेंट्स का सर साइज सर ये भी डिफरेंट होता थ्री है, सेम नहीं होता, और सेगमेंट के पे नहीं हो हर रही हर सेगमेंट के सर लिए सर हमारे पास थ्री बेस पे और नहीं हो लिमिटेड रही एड्रेस होते हैं, और फिर हमारे पास जो एड्रेस होता है वो एस सर कॉमा डी की थ्री शक्ल में एक्सक्यूज मी सर सर डी। स्क्रीन शेयर हो रही ओ सॉरी, एक मिनट। तो इन दिस वे जी हमारे पास जो है वो सेगमेंटेशन का स्कीम जो है वो काम कर रही होती है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ये है सर सेगमेंटेशन है। अभी यहाँ पे इस बुक के अंदर आपके पास एक एग्जांपल है सेगमेंटेशन के हवाले से, देखते हैं वो एग्जांपल। हाँ ये है, ठीक है। एज एन एग्जांपल, कंसीडर अ सिचुएशन शोन इन द फिगर 8.9। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, वी हैव फाइव सेगमेंट फ्रॉम 0 to 4। द सेगमेंट आर स्टोर इन द फिजिकल मेमोरी एज शोन। द सेगमेंट टेबल हैज अ सेपरेट एंट्री फॉर ईच सेगमेंट, गिविंग द बिगनिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट, द फिजिकल मेमोरी और द बेस एड्रेस एंड द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, सेगमेंट टू इज 400 byte लॉन्ग एंड बिगिंस एट द लोकेशन 4300। दस अ रेफरेंस टू द बाइट 53 ऑफ द सेगमेंट टू इज मैप्ड इन टू ऑन टू द लोकेशन 4300 प्लस 53, दैट इज इक्वल टू 4353। सिमिलरली अ रेफरेंस टू द सेगमेंट नंबर 3 byte 852 इज मैप टू द 3200, द बेस सेगमेंट ऑफ सेगमेंट 3 + 852, दैट इज इक्वल टू 4052। तो इस तरीके से जो है वो आप सेगमेंट एड्रेस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेगमेंट सेगमेंटेशन के हवाले से अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछें। क्लियर है टॉपिक? इसमें कोई क्यूरी है हमारे पास, कोई सवाल है? जी क्लास, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो सर सर जी, इन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कौन सी होगी और बेस की कौन सी होगी ये बता दें। जी क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछे हैं? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी और बेस की। ये वैल्यू गिवन होगी आपको, मतलब अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो ये टेबल आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा, आपने से उसमें से वैल्यू को इस्तेमाल करना है। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये लिमिट है, ये सारी लिमिट का कॉलम हो गया, ये हमारा बेस का कॉलम हो गया। उस पेपर में सवाल उस तरह आता है कि अगर ये टेबल दिया हुआ होगा और आपको ये कहा जाएगा कि जी एस सपोज करें आपके पास है 1, 1, 150। अब आप इसका जो 1, 150 इसका जो है वो आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करें। चलें इस एग्जांपल में मुझे आप लोग बताएं करके, अगर 1, 150 हमारे पास है, यानी 1 हमारा सेगमेंट नंबर, 150 हमारा बेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफसेट, तो बताएं फिजिकल एड्रेस क्या बनेगा? कैलकुलेट करें इसको। ये 6300 से शुरू होगा जी और 6700 तक एंड होगा, इसकी लिमिट है लास्ट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो नहीं, तुम्हारा फिर फिजिकल एड्रेस क्या बनेगा, सवाल ये है। हमें गिवन होगा पेपर में, सवाल इस तरह आ सकता है कि आपको ये टेबल दिया होगा सेगमेंट टेबल, और आपको लॉजिकल एड्रेस गिवन होगा। लॉजिकल एड्रेस किस शक्ल में होगा? एस कॉमा डी, यानी 1, 150। अब वो कहेगा कि आपको, आप इसको कन्वर्ट करें फिजिकल एड्रेस में इस टेबल को यूज करके। तो आप मुझे बताएं फिजिकल एड्रेस में कोई वैल्यू आनी चाहिए, वो वैल्यू क्या आएगी? कैलकुलेट करें 6300 में उसको ऐड करेंगे 150 को। 150 को ऐड करेंगे किसमें? 6300 में 300 में। अच्छा, अगर आपको दिया जाता है एड्रेस, ये तो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा
6450, लेकिन अगर आपको एड्रेस लिमिट एड्रेस दिया जाता है इसी केस में यानी 1,600, तो फिर हमारा आंसर क्या होता? 6900 69 9. अच्छा जी, कोई और बताए क्या आंसर आना चाहिए था? 6900 ही आएगा, ऐड कर 6900 गलत आंसर है। गेस करें क्या इसमें मिस्टेक है। सर 6700 आएगा ऐसे। मैं कह रहा हूँ 6700 में 400 सेगमेंट जो है वो है 1, ठीक है, एस की वैल्यू 1 है, और हमारा जो लिमिट है या सॉरी जो हमारा डी है डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट वो हमारा है 500। अब मुझे बताएं फिजिकल एड्रेस क्या जनरेट होगा? 6800 सर। कैसे 6700 होगा? सेगमेंट 1 की वैल्यू 400 सर, जब हम 500 ऐड करेंगे तो 68 ही आएगा। हां तो ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर? सर 1900 देखें हमने, क्यों गलत है? अभी हमने बात की थी कि आपका डायग्राम हमारी ऊपर है, सॉरी। आपको पहले कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हम जिस सेगमेंट को एक्सेस कर रहे हैं उस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिमिट से कम होना चाहिए। अब हम सेगमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं और सेगमेंट नंबर 1 का जो लिमिट है वो 400 है, जबकि हम डी की वैल्यू दे रहे हैं 500। तो 500 इज ग्रेटर देन 400, तो ये क्या हो गया? एड्रेसिंग एरर हो गया। ठीक है, टेबल में देख के हम करेंगे, टेबल में देख के हम इसको निकालेंगे। ऑब्वियसली तो आप टेबल में देखे ना, यहाँ पे इसका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा। अगर डी लिमिट से बड़ा है तो वो फिर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। हम एक ऐसे एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं जो कि बेसिकली एस वन का एड्रेस नहीं है, सेगमेंट वन का एड्रेस नहीं है, वो सेगमेंट वन की रेंज से बाहर चला है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कह देंगे कि हमारा एड्रेसिंग एरर है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी फिर हम उसमें ऐड कर देंगे ये जो डिस्प्ले डी की वैल्यू है बेस में, और फिर हमारा वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी जो टेक्निक है वो हमारे पास कहलाती है पेजिंग। तो सेगमेंटेशन और पेजिंग में डिफरेंस यही होता है कि पेजिंग में भी यही होता है कि हम अपनी मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको हम पेजेस कहते हैं। वहाँ पे हम सेगमेंट कह रहे थे, यहाँ पेज कह रहे थे। डिफरेंस ये है कि पेजिंग में तमाम जो पेज साइज है वो सबका इक्वल होगा। ठीक है, सेगमेंट में हमने कहा था कि साइज सेम नहीं है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, कोई 1000 का 2000 का, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपने पेज साइज सपोज करें 4KB रखा हुआ है, 4 KB, तो फिर इसका मतलब है कि तमाम प्रोसेसेस के तमाम जो पेजेस का साइज है वो एग्जैक्टली 4KB होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। हाँ ये बात है कि अब एक प्रोसेस है उसकी टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट सपोज करें जी 40KB है और आपने पेज साइज बनाया है 4KB, तो इसका मतलब है उसके 10 पेजेस बन जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 4। अगर मेमोरी रिक्वायरमेंट 400KB है और आपने 4 बनाए हुए हैं तो फिर इसके 100 पेजेस बन जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रोसेस का साइज बढ़ेगा नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जो पेज का साइज सिंपल रहेगा। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे पास एक बुक होती है, तो एक बुक के तमाम जो पेजेस का साइज होता है वो इक्वल होता है। ये तो नहीं होता ना कोई छोटा है कोई बड़ा, जो पहले पेज का साइज है वही बुक के तमाम पेजेस का साइज है, लेंथ में या विड्थ में वो सब इक्वल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, पेजिंग है। अच्छा, इसमें वो कहता है कि ना हम अपनी मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में, उन ब्लॉक्स को वो नाम दे रहे हैं फ्रेम्स का। ठीक है, तो वो कहता है कि जी The basic method of breaking physical memory into fixed size blocks called frames. ठीक है, और जो फ्रेम का साइज है वही होता है जो पेज का साइज होता है। तो उसका मतलब अगर आपने पेज साइज 4KB रखा है तो उसका मतलब है फ्रेम साइज भी 4KB होगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में लोड किया जा सकता है, और वो जो हम कह रहे थे ना फ्रेगमेंटेशन होती है वो वाला इशू खत्म हो गया, क्योंकि जो पेज का साइज है वही फ्रेम का साइज है, वो 4KB है तो वो भी 4KB है, तो लिहाजा वो पूरा पूरा मेमोरी को यूज करेगा, उसमें कोई मेमोरी लॉस नहीं होगी। मेमोरी लॉस तो कब होती है कि वो फ्रेम का साइज बड़ा होता है और पेज का साइज छोटा होता है, फिर हमारी मेमोरी लॉस होती है, जिसको हम कह देते हैं हमारे पास पेजिंग होती है। अब पेजिंग के अंदर जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह की है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था पेजिंग हार्डवेयर। अगेन CPU एड्रेस जनरेट करेगा एक लॉजिकल, अब के बाद जो लॉजिकल एड्रेस है वो P, D है, P फॉर पेज नंबर, D अगेन वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है,
जैसे वहां सेगमेंट टेबल था, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पेज टेबल होगा। अब पेज टेबल में वही हमारे पास जितने पेजेस हैं उस प्रोसेस के, अब वो डिपेंड करेगा प्रोसेस के साइज के ऊपर, 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, तो ये 100 पेजेस यहाँ पे अरेंज किए गए होंगे जीरो से लेके ऑनवर्ड तक। हम जिस पेज की बात कर रहे हैं, हम पेज नंबर 5 की बात कर रहे हैं, हम पेज नंबर 5 पे जाएंगे और वहां से हम एक वैल्यू उठाएंगे जिसे हम कह रहे हैं एफ। ठीक है, ये एफ बेसिकली क्या है, ये एफ फ्रेम नंबर है। और ये फ्रेम नंबर किसका फ्रेम नंबर है, ये इस वो फ्रेम नंबर है जिसके अंदर ये वाला पेज, अगर पी फाइव की हम बात कर रहे हैं तो ये पी फाइव पेज मेमोरी में किसी फ्रेम में लोड होगा ना। हमने बात की कि हमने अपनी मेमोरी को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ फ्रेम्स के अंदर और उनको हमने नंबरिंग दे दी जीरो से लेके से 1000 तक। अब पेज कोई एक पेज किसी एक फ्रेम में जाके लोड होगा और उसका फ्रेम का कोई नंबर होगा, तो वो नंबर हमें कौन देगा, आपका पेज टेबल देगा। तो यहाँ से हम वो एफ उठा लेंगे, एफ बेसिकली हमारा क्या है, फ्रेम नंबर है। फिर इस एफ को मल्टीप्लाई करेंगे हम पेज के साइज से या फ्रेम के साइज से, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे डी और हमारे पास जो है वो फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हो रहा है। ये हमारी लॉजिकल मेमोरी है, ठीक है। अब इसमें आपने चार पेजेस बना रखे हैं, ये किसी एक प्रोसेस की मेमोरी की हम बात करें, किसी और में ये हो सकता है नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन साइज देखें आप सबका बराबर है, पेज 0, 1, 2 एंड 3 सो ऑन। अच्छा जी, ये हमारा पेज टेबल है। इस पेज टेबल में ये जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो कॉलम बन रहा है, ये हमारे पेज नंबर्स हैं बेसिकली। ये पेज 0 है, ये पेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये जो उसके आगे हमें नंबर मिल रहे हैं ब्लू में, ये हमारे क्या है, उस रिस्पेक्टिव पेज का फ्रेम नंबर। और वो हमें ये बता रहा है कि ये वाला जो पेज 0 है, ये मेमोरी में कौन से फ्रेम में लोड हुआ है। तो ये मेमोरी है हमारी पास फिजिकल मेमोरी, तो इसके अंदर हमने फ्रेम नंबर्स बना रखे हैं 0 से लेके 7 तक। तो अब आपको ये नजर आ रहा है कि जो पेज 0 है वो कहाँ पे लोड हुआ है, फ्रेम नंबर 1 में। तो पेज टेबल में 0 के अगेंस्ट क्या आ गया, 1 आ गया। पेज 1 कहाँ लोड हुआ है हमारे पास, फ्रेम नंबर 4 में। तो यहाँ पे आप देखें पेज 1 फ्रेम नंबर 4 में आ गया, 2 जो है वो 3 में हुआ है, 3 जो है वो 7 में हुआ है। तो ये जो हमारे पास फ्रेम नंबर्स हैं जिसके अंदर पेज लोड हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, पेज टेबल से मिल रही है। अच्छा, अब सपोज करें आपने पेज नंबर इसको एक्सेस करना है, पेज नंबर 2 को एक्सेस करना है, ठीक है। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पेजिंग का साइज है वो 4 किलोबाइट है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमने जाना है पेज नंबर 2 पे। अच्छा, पेज नंबर 2 पे जाना है तो हम पहले जाएंगे पेज टेबल पे, पेज टेबल से हम उठाएंगे उसका फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर हमें क्या मिल रहा है, पेज नंबर पेज 2 के लिए 3, जिसका मतलब है हमने फ्रेम नंबर 3 पे जाना है, ठीक है। अब फ्रेम नंबर 3 हमारे पास ये बनता है 0, 1, 2 और 3, हमें यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस हम कैसे निकालेंगे, सिंपली पहला हमने कहा जी 4KB है फ्रेम का साइज या पेज का साइज, तो ये 4KB है 0 से लेके 4। फिर अगला कहाँ होगा, 4 से लेके 8, फिर अगला होगा 12, और फिर ये होगा 12 से लेके 16 तक। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, इस 3 को यानी इस फ्रेम नंबर को जो यहाँ से हमें मिला है, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ, जो कि हमारा पेज का या फ्रेम का साइज है। पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज, तो वो एक ही बात हो गई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या बन जाएगा, 12। तो बेसिकली हम कहाँ पे पहुंचेंगे, 12 के ऊपर। फिर इस 12 में क्या ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा ऑफसेट है डी, और हम अगर डी है कि वैल्यू 2 है तो बेसिकली हम 12 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा एड्रेस बनेगा 14, तो हम 14 लोकेशन को एक्सेस करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पेजिंग, क्योंकि पेज के अंदर साइज सबका बराबर है, तो हमें फ्रेम नंबर के बेस एड्रेस पे पहुंचने के लिए हमने करना क्या है, हमने मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, फ्रेम नंबर को फ्रेम के साइज से। अब अगर आपने फ्रेम नंबर 10 पे पहुंचना है और फ्रेम साइज हमारा 4 है, तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 बन जाएगा। अगर पेज साइज हमारा या फ्रेम साइज है वो 8 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 वो 80 बन जाएगा। और अगर हमारा पेज नंबर चेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से हमारी क्या, ये पॉइंट क्लियर हो गया पेजिंग के हवाले से जी, क्या कह रहे हैं? यस सर, हो गया सर। ओके, क्लियर है सर। तो सेगमेंटेशन में बेसिकली हमने उठाने थे बेस और लिमिट, ठीक है, और फिर हमने कंपैरिजन करना था। इसमें हमारे पास बेस लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमें, क्योंकि इसमें साइज जो कि सेम है, तो लिहाजा हम मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट उसके बेस साइज तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास वो क्या है उसका, यानी जो फ्रेम जो है वो मेमोरी में किस एड्रेस के ऊपर लोडेड है। सर जी, सर इसमें पेज नंबर भी ऐड करेंगे? पेज नंबर ऐड नहीं करेंगे इसमें, पेज नंबर के आपने भी नंबर उठाएंगे, फ्रेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेम के साइज से। फार्मूला मतलब आपका बनेगा फ्रेम नंबर मल्टीप्लाई बाय फ्रेम साइज प्लस डी, ठीक है, फ्रेम नंबर मल्टीप्लाई बाय फ्रेम साइज
प्लस डी, डी मतलब ऑफसेट। तो जो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसमें आप डी ऐड करेंगे और डी ऐड होने के बाद जो है फिर हमें हमारा जो फिजिकल एड्रेस वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे गालिबन एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, हाँ ये दी हुई है, उसने कहा जी हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये हमारे वही चार पेजेस हैं और नंबरिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा जी अब उसने कहा जी ये 4 byte का है, ठीक है, तो ये 0, 1, 2, 3 बेसिकली हर एक जो है उसकी एक byte को शो कर रहा होता है। अच्छा इसी तरीके से अब उसमें जो उसने कहा है जो हमारे पास कंटेंट है वो ए बी सी डी है, इसमें फिर ई एफ जी एच है एंड सो ऑन आई जे के और एम एन ओ पी। अच्छा ये हमारा पेज टेबल आ गया जो बता रहा है कि जी 0 page है वो कौन से फ्रेम में है, 5 number में है, 1 6 में है, 2 1 में है, 3 2 में है। ओके अब ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जी ये यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो 0 है और उसके बाद 0 पे कोई नहीं है, फिर जो 0 है वो 5 पे लोडेड है, तो ये हमारा 5 है तो यहाँ पे हमारा 0 लोडेड है ए बी सी डी। तो ये आपको नजर आ रही है ए बी सी डी, ये हमारा पेज नंबर 0 है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ई एफ जी एच है, वो हमारे पास इसके ऊपर है, नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर है, 6 के ऊपर है। फिर पेज 2 जो है वो 1 फ्रेम पे है, वो यहाँ पे हमारे पास, और पेज 3 जो है वो 2nd फ्रेम के ऊपर है। अब अगर अगर आपके पास उसने कहा कि जी आपने एड्रेस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है हाँ, तो कहते जी अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस है 3 यानी पेज 0 और ऑफसेट 3 तो उसका फिजिकल एड्रेस क्या बन रहा है। अब पेज 0 है, अब सबसे पहले पेज 0 का देखेंगे हम क्या फ्रेम नंबर, तो पेज 0 का फ्रेम नंबर क्या है हमारे पास 5, ठीक है, तो हमने 5 उठा लिया। इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पेज के साइज से, तो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्योंकि हमने देखा कि साइज जो है वो 4 byte है, तो 5 × 4 क्या हो गया 20, और ऑफसेट क्या है 3, तो हमने उसमें 20 में ऐड कर दिया 3, तो हमारे पास जो एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा 23, यानी 0, 3 का जो लॉजिकल एड्रेस था उसका जो मैपिंग करके फिजिकल एड्रेस बना वो 23 बना। अगला आपका कहते हैं जी लॉजिकल एड्रेस है 4 इस पेज 1 ऑफसेट 0, अच्छा जी वो कह रहा है ऑफसेट 0 है और दस लॉजिकल एड्रेस 4, चले हम खुद कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है वो है सपोज करें जी 1, 1, ठीक है, 1, 1 का मतलब क्या होगा 1 stand for the P and 1 stand for the D। अब 1 कहाँ पे है हमारे पास, पेज नंबर 1, वो हमारे पास है फ्रेम नंबर 6 पे, तो हम पहले तो फ्रेम नंबर 6 को लेंगे। अब फ्रेम नंबर 6 का बेस एड्रेस कैसे निकलेगा, 6 × 4, तो 6 × 24, तो हम 24 पर आ गए, और फिर हमने उसमें ऐड क्या करना है डी, और डी है 1, तो 24 + 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें 1, 1 बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, 1, 1 हम बात कर रहे हैं एफ की, हम बात कर रहे हैं एफ की, ठीक है, और अब हमने एड्रेस निकाला 25, तो यहाँ पे देखें ये हमारा 24 और ई 24 पे है, तो एफ कहाँ पे आ रहे हैं 25 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना पेजिंग का उसको सॉल्व कर सकते हैं कि जिसमें हम सर ये अगेन बता दें जो भी बताया एग्जांपल 1, 1 जी सर लॉजिकल एड्रेस हमारे पास है 1, 1। अच्छा अब 1, 1 का मतलब ये हुआ कि P क्या है 1 और D भी हमारा क्या है 1, हमने कहा ना लॉजिकल एड्रेस दो चीजों पे कंसिस्ट कर रहा है पी कॉमा डी पे, तो P हमारा 1 हो गया, D भी हमारा 1 हो गया। अब P 1 है, पेज नंबर 1 है, तो पेज टेबल पे जाएं और ढूंढें कि पेज 1 कौन से फ्रेम में है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है पेज 1 कौन से फ्रेम में है 6 में। अब आपने 6 उठा लिया, अब 6 के बेस एड्रेस पे जाना है, तो हम क्या करेंगे इस फ्रेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेम के या पेज के साइज से। हमने कहा कि इस एग्जांपल में हमने 4 byte रखा हुआ है, ठीक है 4 रखा हुआ है, बाइट को छोड़ दें, बाइट तो यूनिट हो गया ना, वो किलो बाइट है, बाइट है या मेगा बाइट है उसको छोड़ दें, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 6 × 4 क्या बनेगा 24। अब हम 24 पे पहुंच गए, अब 24 से तो ये हमारा ये वाला जो पेज नंबर 1 है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 24 पे। अब पेज के अंदर भी तो 4 bytes है ना, 1, 2, 3, 4, तो हम बात कर रहे हैं F की, तो F जो है वो फर्स्ट byte है 0, 1, 2, 3, हर byte जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने पहुंचना है F byte के ऊपर, तो F byte का जो एड्रेस बन रहा है वो तो 25 बन रहा है, तो जो 24 है उसमें हमने ऐड क्या करेंगे D, और D हमारे पास क्या है 1, तो हम 24 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 25, और ये जो F है वो हमारा 25 है, तो इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक हो गई। अगर आपको कहा जाता चले आप लोग कैलकुलेट करें, आपके लिए एड्रेस है जी 3, 3, अब मुझे बताएं कि एड्रेस क्या बनेगा, फिजिकल एड्रेस 3, 3 मतलब पेज भी 3 है 9
डिस्प्लेसमेंट भी 3 है। बनेगा। देखिए जी, हम बात कर रहे हैं 3.3, तो सबसे पहले तो हम किस पे जाएंगे, हमारा पेज, इसमें हमारा पेज नंबर क्या है, 3.3 में पेज नंबर क्या है हमारा, 3 तो 3 कौन से फ्रेम में है, 2 में। ओके, अब 2 और हमारा साइज जो है वो 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ गया। अब 8 का मतलब है हमारा जो पेज है, जो 3 पेज है वो बेसिकली यहाँ पे 8 एड्रेस के ऊपर स्टार्ट होता है। ओके फाइन, अब हमने उसकी कौन सी लोकेशन को एक्सेस करना है, 3.3 का मतलब बेसिकली क्या है, मैंने आपको कहा कि हर पेज के अंदर जो बाइट है वो 0 से स्टार्ट होगी, तो M 0 पे है, N 1 पे है, O 2 पे है और P 3 पे है, तो 3.3 का मतलब है थर्ड सेगमेंट की थर्ड बाइट, और थर्ड बाइट का मतलब हुआ यानी बाइट नंबर 3, इंडेक्स नंबर बाइट का जो है वो 3 है, तो वो है लोकेशन, वो वैसे वो 4th है, तो ठीक है, तो वो P बन गया, तो वो 15 है। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे कि वो 8 आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब 8 में क्या ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, तो आप 9 10 और 11, तो सर, सर हम 3 का कर रहे हैं, 4 का नहीं कर रहे सर, ऊपर कर रहे हैं 11 तो, वाले हाँ, तो हम 3.3 की बात कर रहे हैं ना, और हमारे पास 11 आएगा, ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर है जी, जी सर, ठीक हो गया, तो यस सर, इसको हम कहते हैं जी हमारे पास जो है वो पेजिंग है। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दी हुई है जिसको आप, उसने कहा है कि सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसने कहा जी पेज साइज क्या होना चाहिए, पेज साइज की उसने कहा जी हमारे पास जो है वो लिमिट है कि वो 512 बाइट से लेके गालिबन 1 GB तक हो सकता है, इसके दरमियान में। सर जी एक सर जी, सर जी ऊपर, ये ऊपर एक दफा एग्जाम्पल पे जाइएगा जो आप ऊपर, ओके सर, वो ऊपर सर जी, ये इधर सर, यहाँ पे हमने ना 4 के साथ मल्टीप्लाई किया हर दफा, जी ऐसे ही ना सर जी, जी सर जी, ये 4 की 4 ये जो बाइट वो बढ़ा भी सकता है इसके, हाँ वो तो मैंने अभी बात कर कि 4 बेसिकली क्या है, पेज साइज है, अगर पेज साइज 8 होगा तो फिर आप मल्टीप्लाई 8 से करेंगे सर जी, वो बताएगा कि पेज साइज इतना, हां ऑब्वियसली वो बताएगा ना, या डायरेक्टली बता देगा या इनडायरेक्टली बताएगा, फॉर एग्जांपल वो आपको ये कहता है कि जी आपकी मेमोरी है 100 KB की, ठीक है, और yes, ये वो कहता है कि आपने 100 KB की मेमोरी को डिवाइड किया हुआ है 50 फ्रेम्स में, ठीक है, अब पेज साइज क्या निकलेगा बताएं सर, 2 क्या निकलेगा सर जी, 50 फ्रेम में तो 50 निकलेगा सर, नहीं फ्रेम साइज और पेज साइज हमारी 100 KB, ठीक है, 2 आएगा और हां 2 आएगा, तो और आपने उसके साइज कितने, आपने पार्ट्स बनाए उसके 50, तो इसका मतलब है हर पार्ट जो है वो 2 KB का हो गया ना जी सर, 2 हां, अगर 100 KB की मेमोरी को 100 पेजेस में आप डिवाइड करते तो फिर वो 1 KB बनता, अच्छा ये भी हो सकता था 100 आपकी केबी की मेमोरी है और आपने उसके पेजेस बनाए हैं 200, तो फिर पेज साइज क्या बनेगा सर, 1/2 छोटा बच्चे आपका 22 बाइट है, ठीक है, तो 1 KB का क्या मतलब होता है 1024, ठीक है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 512, तो बेसिकली ये 512 बाइट का एक पेज है, तो ये दोबारा बताइएगा, ये सर जी दोबारा बताइएगा, देखें आपकी जो टोटल मेमोरी है वो है 100 KB की और आपने उसके फ्रेम बनाए 200, तो मतलब ये हुआ कि आपने जो एक फ्रेम का साइज है वो 1/2 KB बन गया ना, हाफ के बी बन गया, तो 1 KB का हाफ कितना होता है 512, तो इसका मतलब है एक पेज का साइज 512 बाइट्स में आ गया, मैंने कहा ना कि बाइट में भी हो सकता है, किलो बाइट में भी हो सकता है, मेगा बाइट में भी हो सकता है, पेज का साइज जो है वो वेरी कर सकता है
और आपकी शायद विंडोज जो है ना वो आपको किसी हद तक एक रेंज भी देती है कि आप अपनी सिस्टम में जाके विंडोज के अंदर पेजिंग का साइज कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छा वो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। अच्छा हाँ ये याद रखिएगा कि हमेशा पेज का साइज 2 की पावर में होगा, ठीक है, मतलब 1KB 2KB 4KB 8KB इस तरीके से हम 2 की पावर में चलेंगे हमेशा। उसकी रीजन सिंपल ये है कि हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है अगर हम 2 की पावर्स में चलते हैं। अदर देन दैट मतलब 3KB नहीं होगा या 5KB नहीं होगा, 2 होगा या फिर 4 हो जाएगा या फिर नेक्स्ट 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो 2 की पावर के अंदर जो हमारा पेज साइज चल रहा होता है। तो पेज का साइज छोटा भी हो सकता है, पेज का साइज बड़ा भी हो सकता है। अच्छा इसमें भी थोड़ी सी फ्रेगमेंटेशन का इशू आता है, वो ये आता है कि सपोज करें आपके पास आपने बनाया है 4KB का पेज साइज, ठीक है, फ्रेम साइज। अगर आपके पास जो प्रोसेस है उसकी जो टोटल मेमोरी है वो 13KB है और आपका जो पेज साइज है वो 4KB है, तो उसको कितने पेजेस में वो लोड होगा? दोबारा सुन लें क्वेश्चन। हमारे पास पेज साइज 4KB है और प्रोसेस जो है वो उसको चाहिए उसके जो उसका जो साइज है वो 13KB है, तो उसको कितने पेजेस रिक्वायर्ड होंगे उस प्रोसेस को? सर 4 जी 3 पेजेस बनेंगे सर। 4 बनेंगे सर, 3 नहीं बनेंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि देखे ना 3 बनेंगे तो वो 12 बनेंगे जी सर, हमें चाहिए 13 तो लिहाजा उसको एक और भी चाहिए होगा 4 पेजेस चाहिए। अच्छा वो जो फोर्थ पेज होगा ना, 3 पेजेस तो फुली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, लेकिन जो आखिरी फोर्थ पेज होगा टोटल साइज है 4KB का, उसमें से वो इस्तेमाल सिर्फ 1KB करेगा, ठीक है, उसमें से इस्तेमाल 1KB करेगा ना, टोटल 13 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके पास जो है वो 3KB जो है वो इन दैट केस जो है वो थोड़े से लॉस हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर, यस सर। अच्छा यही हमारे पास इसमें फ्रेगमेंटेशन है। अच्छा ये फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाएगी जब पेज का साइज बड़ा होगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना 4KB, सपोज कर ले 4MB होता, अभी लॉस हुआ है हमारा 3KB का। सेम यही काम आप कर ले MBs में कि हमारे पास पेज साइज है 4MB का, प्रोसेस की मेमोरी रिक्वायरमेंट है 13MB, तो आपको आप 4 पेजेस लगाएंगे और उसका मतलब है जो आखिरी पेज है उसके 3MB क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपका पेज साइज और बढ़ गया, पेज साइज आपका चला गया जी 128MB का, ठीक है, और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है 129MB, तो इसका मतलब ये होगा कि कितने पेजेस लगाएंगे आप, 2 पेजेस, क्योंकि 128 पे एक और 1MB के लिए आपको एक पूरा पेज नया लगाना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि आपके पास जो है वो अगले जो पेज है 128MB उसमें से 1MB यूज किया और बाकी 127MB आपका जाया हो गया। ये ऐसे समझ लें कि आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं, सारा जो टेक्स्ट है वो एक पेज पर आ गया, सिर्फ एक लाइन जो है वो अगले पेज पे चली गई, तो पेज तो फिर आपको 2 लगाने पड़ेंगे ना, तो वो जो दूसरा पेज है उसमें सिर्फ एक लाइन है, बाकी सारा आपका वो जाया है एक तरह से। तो इसको हम कहते हैं कि पर फिर तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया ना फिर। ये डिसएडवांटेज है इन दैट सेंस, मतलब हाँ डिसएडवांटेज है, लेकिन ये सिर्फ आखिरी पेज पे होगा। एक तो ये बात है, कभी ये नहीं होगा कि हर पेज के ऊपर हो रहा है, तो ये निग्लिजिबल कह सकते हैं, ये बहुत मार्जिनल। ये फिर यानी कि ये किन केसेस में ऐसा हो सकता है? जब हमारा प्रोसेस का जो साइज है वो पेज के साइज का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, मतलब आपका है पेज साइज 4 और आपका रिक्वायरमेंट है 12, तो फिर तो कोई लॉस नहीं होगा, 4×3=12 हो गया, 16 है, नो लॉस, 20 है, लेकिन अगर उसका एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो फिर जाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो एंड में लॉस आएगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये लॉस बढ़ जाएगा जब हमारा पेज का साइज बढ़ जाएगा। पेज का साइज छोटा है तो लॉस कम है, जैसे हमने कहा कि KBs थी तो 3KB का लॉस हुआ, MB में चले गए तो वो 3MB का लॉस हो गया, पेज का साइज हमने 128MB कर दिया तो लॉस हमारा 127MB तक भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, बस मतलब सर्टेन केसेस में होगा और ओवरऑल ये कम होगा, लेकिन बहरहाल ये थोड़ा बहुत लॉस इसमें होता है। बाजा वो सवाल ये हो जाता है कि जी पेजिंग के अंदर मेमोरी लॉस होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो कैसे होता है, वो फिर आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा। सर जी, जी सर, कभी ऐसे भी होता है कि पेज साइज जो है फ्रेम साइज से बढ़ जाए? नहीं, ये तो हमारी कंडीशन है ना कि पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रेम साइज, ये तो कभी भी नहीं होता। ये तो हमारी पहली बात है कि हमने कहा है कि पेजिंग में जहाँ पेजेस के साइज आपस में बराबर है वहाँ पे पेज साइज जो है वो फ्रेम साइज के भी बराबर है, ठीक है, मतलब वो कभी भी डिफरेंट नहीं।
ठीक है सर। अच्छा जी, हमारे 10 मिनट्स रह गए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इसकी। तो ये हमारे पास हो गई पेजिंग, और पेजिंग के अंदर ठीक है, जिसमें एक छोटा सा चीज थी वो मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अच्छा, एक बात इसमें होती है कि एक तो हमने ये बात की, यहाँ पे जरा पढ़ लें कि पेज साइज इज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर, द साइज ऑफ अ पेज इज पावर ऑफ 2, ठीक है, वेरिंग बिटवीन 512 बाइट्स टू 1 GB पर पेज। अब उसने कहा है जी मिनिमम साइज 512 बाइट, हाफ जीबी वाली बात, और मैक्सिमम पेज साइज 1 GB। एक बात, डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, द पावर ऑफ 2 एज द पेज साइज मेक्स द ट्रांसलेशन ऑफ द लॉजिकल एड्रेस इन टू द पेज एंड पेज ऑफसेट पर्टिकुलरली इजी। ठीक है, फिर वो कहते हैं इफ द साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज 2m, लॉजिकल एड्रेस स्पेस का जो साइज है वो अगर 2m है एंड अ पेज साइज इज 2n है बाइट्स में, देन द हायर ऑर्डर m माइनस n बिट्स ऑफ ए लॉजिकल एड्रेस डेजिग्नेट द पेज नंबर एंड द n लोअर बिट्स डेजिग्नेट द पेज ऑफसेट। होता ये है कि आपके पास जो हम बात कर रहे थे ना p, d, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहे थे, एक्चुअली पी कॉमा बी नहीं होता, एक्चुअली हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होती है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ बिट्स मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 बिट की स्ट्रिंग आ गई 1100 1100, अब ये 8 बिट है, इसी 8 बिट में दो चीजें हैं, एक है पी एक है डी। पहला क्वेश्चन ये होता है कि इन 8 बिट में से कौन सी कितनी बिट्स पी को रिप्रेजेंट कर रही है और कितनी डी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पहला क्वेश्चन होता है। अच्छा, एक बात तय है कि जो हायर ऑर्डर बिट्स हैं वो पी के लिए हैं, जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं वो डी के लिए। ठीक है, हायर ऑर्डर बिट का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब हम 1101 और फिर हमारे पास है 0001, तो इसमें जो पहली चार बिट हैं हायर ऑर्डर वो है 1101, तो ये हमारे पास मतलब जो हायर ऑर्डर बिट्स हैं वो पी के लिए पी को शो करेंगी और लोअर ऑर्डर बिट्स जो है वो डी को शो करेंगी। तो ये कहता है कि अगर आपके पास जो मेमोरी की जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसका साइज 2m है, मतलब जो भी साइज है आप उसे 2 में ले जाएं, और वो 2m में ही होगा नॉर्मली, और m मतलब जो भी m है जो कि 2m बना, यानी कि 2m 10 बन गया सपोज करें, तो m हमारा क्या बन गया 10 बन गया। और फिर वो कहता है कि जो पेज साइज है वो उसको भी आप 2m में लिख लें, सपोज करें जो n बन रहा है वो हमारे पास 4 बन रहा है। ठीक है, अब m बन रहा है 10 और n बन रहा है हमारे पास 4, n कहाँ से आया 2m, ये हमारा पेज साइज है, और m कहाँ से आया, ये हमारा जो टोटल लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको हमने 2m में ले गए, तो हमारे पास m और n आ गए। तो फिर कहते हैं हायर ऑर्डर m माइनस n बिट्स। ठीक है, अब m है हमारे पास 10, n है हमारे पास 4, तो m माइनस n 10 माइनस 4, तो इस स्ट्रिंग में जो टॉप हायर ऑर्डर 6 बिट्स हैं वो किसको शो करेंगी, पेज नंबर को, p इज इक्वल टू m माइनस n बिट्स। ठीक है, और हायर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो टोटल बिट्स हैं हमारे पास 10, उनमें से जो 6 बिट्स हैं वो हमारे पास किसके लिए हैं, पी के लिए हैं, रिमेनिंग जो 4 हैं हमारे पास वो किसको शो करेंगी, वो डी को शो करेंगी। तो अब अगर हमारे पास एड्रेस है 1100011 और फिर हमारे पास है 1001, तो जो हायर ऑर्डर बिट्स हैं हमारे पास, एक मिनट इसको कंप्लीट कर लें, तो वो हमारे पास है 1100011, तो ये जो पी है वो किसके बराबर होगा, वो 1100011, ये जो बिट्स हैं इसको फिर आप कन्वर्ट कर लेंगे पेज नंबर में डेसिबल में, और फिर हमें बस पता चल जाएगा हम किस पेज की बात कर रहे हैं। और जो लोअर ऑर्डर बिट बनाएंगे हमने 1001, ये शो कर रही है डी को, इस डी को आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और फिर आपको पता चलेगा कि डी की वैल्यू क्या है। वो जो हम कह रहे थे ना 1.3, वो 1.3 इससे कैलकुलेट होगा बेसिकली, जो 6 बिट्स हैं वो पी को शो करेंगे और 4 बिट्स हैं वो डी को करेंगे, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है कि 6 ही करेंगे, ये डिपेंड करता है एम और एन की वैल्यू पे, पहले एम और एन की वैल्यू निकलेगी फिर से हमें पता चलेगा कि कितने बिट्स एम के लिए हैं पी के लिए हैं और कितने बिट्स जो है वो डी के लिए हैं। जी आप बताएं क्या क्वेश्चन है। जी क्या क्वेश्चन था क्लास, सर ये जो हाई बिट ऑर्डर है पी का, ये हम सिर्फ पी से ही डिनोट कर सकते हैं, इसे चेंज नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं,
चेंज नहीं कर सकते मीन किसी और अल्फाबेटिक से, डिनोट नहीं कर सकते। नहीं वो नॉर्मली पी मतलब फॉर द पेज नंबर है तो लिहाजा हम एक करने के अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सो पी से करते हैं। वैसे कोई वो नहीं है कि पी से आप करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप से पी से रखें ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, पी स्टैंड फॉर पेज नंबर, तो इसलिए हम वो करते हैं। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो कोई भी ओके सर ऐसा मसला। पॉइंट ये है कि आपको पी कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपने एम माइनस एन के फार्मूले से कैलकुलेट करना है। और एम कैसे आएगा, जो हमारी जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको हम 2 की पावर एम में लिखेंगे तो एम आ जाएगा, और जो हमारा पेज साइज है उसको हम 2 की पावर एन में लिखेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। फिर पी इज इक्वल टू एम माइनस एन हायर ऑर्डर बिट्स जो भी होंगी, इतनी बिट्स जो है वो पी के लिए पी को शो कर रही होंगी, और बाकी जो रिमेनिंग बचेंगी वो फिर हमारी लोअर बिट्स हो जाएंगी और वो हमारे डी को शो कर रही होंगी। तो बाजा उसमें वो सवाल में वो ये देता है कि लॉजिकल एड्रेस 1,3 की जगह आपको इस शक्ल में दे देगा। मतलब सपोज करें जी वो 6 बिट का एड्रेस है तो वो आपको दे देगा जी 101010। अब वो कहेगा जी इसका आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करें। अब फिजिकल एड्रेस पेज टेबल साइज भी बता रखा होगा, सब कुछ बताया होगा, लेकिन पहली बात तो ये ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें पी कौन सा है और डी कौन सा है। तो पहले वो आप एम और एन को इस्तेमाल करके पी और डी निकालेंगे, पी की बिट्स निकालेंगे कि पी कितनी बिट्स हैं। आप 6 में से हो सकता है 4 बिट्स पी के लिए हों, 2 बिट्स एन के लिए हों, और हो सकता है डी के लिए हों, और हो सकता है 3 बिट्स पी के लिए हों, 3 ही डी के लिए हों, या ये भी हो सकता है कि 2 बिट्स पी के लिए हों और 4 बिट्स डी के लिए हों। तो पहले तो आपने ये निकालना है कि पी की कितनी बिट्स हैं और डी की कितनी बिट्स हैं। तो पी की बिट्स किसके बराबर है, वो एम माइनस एन के बराबर है, और फिर एन जो है वो हमारे पास डी बिट्स हैं। जब आप उसकी बिट्स निकाल लेंगे, सपोज करें हमारी आ गई 3-3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर ऑर्डर जो है वो 101 है तो वो पी को शो कर रही है, और जो लोअर ऑर्डर 010 है वो डी को शो कर रही है। फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप अपना फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 प्रोसेस हो सकते हैं अगर उसने आपको डेसिमल में पी और डी दे दिए। ठीक है सर जी। सिद्धि वो शुरू में लॉजिकल एड्रेस और पेज नंबर देगा ना शुरू में? लॉजिकल एड्रेस तो दरअसल देगा आपको, और पेज नंबर नहीं देगा आपको, पेज टेबल दे देगा, टोटल मेमोरी बता दी और नंबर ऑफ फ्रेम बता दिए, वो आप फिर निकाल लेंगे वहां से, डायरेक्टली दे सकता है या डायरेक्टली दे सकता है, और ये पेज टेबल होगा ताकि आपको ये तो पता होना कि कौन सा पेज किस फ्रेम में, ये इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, इसके बगैर नहीं आप कर सकते। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन? यस सर, नो सर, नो सर। ठीक है जी, आज के लिए हमारा इतना ही था। फिर अच्छा ये क्लास सीआर पूछ रहे थे, तो वैसे जो हमारा स्केड्यूल है वो मैंने आपको शायद बताया था कि मंडे से वेडनेसडे 10 से 11 का हम रखेंगे लेक्चर। ठीक है, तो अगर कुछ में कुछ चेंज है वो फिर मैं आपको कन्वे कर दूंगा। तो नॉर्मली जो हमारा शेड्यूल है वो मंडे से वेडनेसडे और 10 से 11 का है। इस टाइम पे कोई और ऑनलाइन क्लास है तो आप बता देंगे जी सर हमारी ऑलरेडी क्लास हो रही है, उसके अलावा आप किसी और टाइम पे रख लें। ठीक है? नहीं सर, फिलहाल तो सर एक और बात जी, क्या यही टाइम जी? सर एक और सवाल था जी, पूछें। सर सुना है कि फेब में एग्जाम्स हो रहे हैं, वो भी फिजिकल यूनिवर्सिटी में, क्या आप इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं? क्या चीज दोबारा पूछें? सर सुना है कि फेब से स्टार्ट है हमारे एग्जामिनेशंस, और वो भी फिजिकल होंगे। यूनिवर्सिटी खुली तो समझ रहे फिर फिजिकल होने के चांसेस हैं, अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती 10 जनवरी के बाद भी तो फिर तो जाहिर बात है फिर फिजिकल के चांसेस नहीं है। सर वैसे सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि अभी नहीं ओपन हो रहे इंस्टीट्यूट जी, क्या पूछ रहे हैं बच्चे? लगा भी सर सुनने में यही आया है कि अभी भी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हो रहे। बेटे वो जो भी फैसला होगा वो तो हो जाएगा ना, वो तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी आप टेंशन मत लेंगे किस तरह होगा। एग्जाम होने हैं, हो जाएंगे। ऑनलाइन हुआ तो वो आपका एमसीक्यूज बेस होगा और वो एलएमएस के ऊपर थ्रू होगा, और अगर आपका फिजिकल है तो फिर जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उसको फॉलो किया जाएगा, उसको छोड़ देंगे किस तरह होगा ये कैसे नहीं होगा। वो जो जिस तरह होगा वो फिर कन्वे हो जाएगा, वो सब ठीक होगा, वो एक क्लास के लिए पूरी है, वो तो पूरी मुश्किल। सर नेक्स्ट लेक्चर कितने रह गए हमारे? नेक्स्ट लेक्चर बस अब ये जो अगला आपका जनवरी का वीक है ना, इसके अंदर हम हर हफ्ते 3 लेक्चर करेंगे, इंशाल्लाह अपन किसी काफी हद तक कवर कर लेंगे सर। ठीक है चलिए जी, आज की क्लास पर हम कंप्लीट करते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कल भी नहीं डाली थी, मैं असल में फिर बाहर था,
तो वो टाइम नहीं मिला मुझे। आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये सारी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है वो डाल दूंगा।